का कैरेक्टर और जो हमने अभी रीसेंट क्वेश्चंस किए हैं जो इससे पहले किए हैं उस पे बेटा बट आपके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एंड हो गए हैं। तेरा बलिंडा का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट रह गया और उसके बाद जो है हमारा फंक्शन ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, उसके अलावा जितने भी हैं हमारे जो कैरेक्टर हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा उसमें आप लोगों ने पढ़ना सारा ही है, ठीक है? आप पढ़ेंगे सारा ही, क्वेश्चन आपने कोई नहीं छोड़ना, लेकिन ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर मैं फोकस ज्यादा करती हूँ और जो लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे ही हमारे टेक्स्ट में कवर हो जाते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि श्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उकदा मिन लिसानी यफकहू कौली। कल के लेसन से मुझे बताएं किसी को कोई चीज समझ ना आई है कि क्या है। बेलिंडा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रेप ऑफ द लॉक, जाहिर बात है हीरोइन थी उसकी और सारी जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड वन कैरेक्टर। क्लासिकल लिटरेचर और आप लोगों की मॉडर्न लिटरेचर में यही फर्क है कि मॉडर्न लिटरेचर में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके गिर्द कहानी घूम रही होती है, प्लॉट होता है, सब प्लॉट होता है, लेकिन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आप देखें कि एक ही प्लॉट होता है, एक ही कैरेक्टर होता है और वही मेन कैरेक्टर होता है और उसके इर्द गिर्द पूरी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व कर रही होती है। बेलिंडा का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे सोसाइटी के एस्पेक्ट, स्पेशली द लेडीज, औरत की वजह से जो फितना फैलता है दुनिया के अंदर उसके ऊपर ये फोकस करता है कि औरत ही होती है मर्द को मजबूर करती है हराम कमाने पे, ठीक है? और औरत ही अगर घर की अच्छी होती है तो जिंदगी बदल जाती है। आप लोगों को एक छोटी सी हदीस सुनाती चलूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। दुनिया की नेमतों में एक नेमत जो है वो नेक बीवी भी है, ठीक है? और ये बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी के पास हो तो ही इज द मोस्ट लकीस्ट पर्सन अगर उसको नेक बीवी मिल जाए। जाहिर बात है फिर तो उसकी नस्लें ही वैसी हो जाएंगी, ठीक है? उसकी नस्लें जो है वो पार हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम हमारी जनरेशन का ये है कि हम कहते हैं आज ही कमाओ और आज ही खा लो। जो अक्लमंद इंसान होता है ना वो हमेशा दूर अंदेश होता है, वो देखता है मैं जो आज करूंगा इन द फ्यूचर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ठीक है? आफ्टर वो आज का कमाया हुआ, आज की डिग्री को ये नहीं सोचता कि आज मैंने डिग्री ले ली है तो कल मैंने हफ्ते बाद ही कमाने निकल जाना है या जॉब ढूंढने निकल जाना। उसको ये पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ आफ्टर 10 to 15 ईयर्स मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जो अक्लमंद इंसान होता है वो हमेशा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता है, वो डू बेस्ट करता है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बेटा फेलियर से कभी घबराना नहीं है और सक्सेस के पीछे भागना नहीं है। हैव फेथ ऑन अल्लाह एंड डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो नेकी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कछुए और खरगोश की कहानी से हमने एक चीज सीखी थी कि खरगोश की स्पीड बहुत तेज थी, खरगोश बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन खरगोश हार गया था। और कछुए की कहानी से हमने ये सीखा था कि कछुए को पता था मैं कमजोर हूँ, कछुए को पता था मेरे अंदर वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतनी मेरी इंटेलेक्चुअल मेरा इतना हाई नहीं है, इवन उसके अंदर इतनी पार भी नहीं थी कि वो खरगोश जितना तेज भाग सकता, लेकिन उस वो कंसिस्टेंट था, वो स्लो जरूर था लेकिन वो स्टेडी था, इसलिए वो जीत गया था। तो बेटा जिंदगी में एमए इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? आप समझ लें आपकी जिंदगी का एक जर्रा है जो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर है। आप सिर्फ जिंदगी को एमए इंग्लिश लिटरेचर तक फोकस ना करें, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन बात सारी ये है कि बेटा नेकी करना तो आसान है, आज मैं ये डिसाइड कर लूँ कि कल से मैं लोगों की खिदमत करूंगी, लेकिन नेकी पे कायम रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी ने थोड़ा सा हमें डी वैल्यू कर दिया, किसी ने थोड़ी सी कुछ कह दिया तो हम उसको अनाह का मसला बना लेते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है सबसे पहले हम अपनी नेकी जो है ना वो छोड़ देते हैं। सो बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी इस्तकामत, आपका सब्र आपकी जिंदगी संवार देगा। अचानक से, जल्दी से कभी भी कोई काम नहीं होता।
सेम इज द केस जब मेरे पास लिटरेचर के लिए स्टूडेंट आते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि आज ही आज समझ आ जाए. बेटा आज ही आज कभी भी समझ नहीं आता. आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो बेटा जस्ट अडॉप्ट द वेट एंड वॉच पॉलिसी. सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, ठीक है. जिसका दोस्त अल्लाह है ना, वो कभी भी उसको वो जवाल हो ही नहीं सकता. अल्लाह ताला कभी उसका बुरा नहीं कर सकता. जब कुरान में आ गया ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो हो ही नहीं सकता कि हम जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएं या हम डिस्ट्रॉय हो जाएं. सेकेंडली, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का दोस्त है. अल कासिबू हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का दोस्त है ना. तो इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. तो बेटा जब जिसके साथ अल्लाह है ना, वो इंसान जो है कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, वो डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता. इवन अगर आप कुरान मजीद खोल के देखें तो एक कुरान की बड़ी प्यारी आयत है कुरान मजीद में कि जन्नत जो है वो सब्र करने वालों को मिलेगी. तो जन्नत भी हम तब पहुंचेंगे जब हमारे अंदर सब्र होगा. तो दैट इज बेसिकली, और जिसके अंदर सब्र होता है उसके अंदर इस्तकामत भी आ जाती है. ठीक है, कोई बात नहीं. थोड़ी देर के लिए एक चीज आपको शायद ना समझ आए तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी आ जाएगी. बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. स्पेशली जब हम जो न्यू कमर्स आते हैं उनको भी यही हो रहा होता है, जल्दी से सब कुछ समझ आ जाए. बट जल्दी से कभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आता. आज एक चीज समझ आएगी, कल को दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो, जैसे मैं एक ग्लास की एग्जांपल देती होती हूँ कि एक ग्लास के ऊपर अगर आप तेज नल खोल दें, टैप को बहुत फास्टली जो है तेजी से पानी फ्लो होना शुरू हो जाए, तो जब आप टैप बंद करेंगे आपका ग्लास आधा खाली होगा. लेकिन ऐसा ग्लास जो कि टैप के नीचे रखा हो लेकिन उसका टैप जो है उसका वाटर फ्लो बहुत स्लो हो, वो ग्लास पूरा का पूरा भरता है. ठीक है, तो बहुत तेजी से काम करने से भी इंसान का डाउनफॉल हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स. अब यहाँ भी चलते हैं हम बलिंडा के कैरेक्टर की तरफ. डिस्कस पॉप्स कंप्लीट एटीट्यूड टुवर्ड्स बलिंडा इन द रेप ऑफ द लॉक. व्हाट इज हर फंक्शन इन पोएम एज अ होल. डिस्कस करें जनाब पॉप कंप्लीट एटीट्यूड टुवर्ड्स बलिंडा इन रेप ऑफ द लॉक. पॉप का कंप्लीट एटीट्यूड क्या था बलिंडा की तरफ इन रेप ऑफ द लॉक, और व्हाट इज हर फंक्शन इन द पोएम एज अ होल, और एज अ होल उसका पोएम में फंक्शन क्या था. What do you gather about Pop's view on women from the rape of the log? आपको Pop का view on women जो है क्या समझ आया rape of the log के हिसाब से. Give a character sketch of Belinda as portrayed by Pop in the rape of the log. Character sketch of Belinda बताएं as portrayed by Pop in the rape of the log. Or while portraying Belinda's characters in the rape of the log, Alexander Pop has successfully exposed the hollowness of female folk of class of society. जब while portraying Belinda character, Belinda के character को portray करते हुए rape of the log में Alexander Pop ने successfully expose किया है hollowness of female folk of class of society. कि उसने फीमेल फोक ऑफ द, उनकी जो अंदर की होलोनेस है, उनकी शैलोनेस है, अंदर से वो औरत खाली है, उसको एक्चुअली ऑफ अ क्लास ऑफ सोसाइटी उसने बताया है कि बाहर से देखने में तो वो बड़ी खूबसूरत है, डिग्रियां भी उसके पास बहुत सारी हैं, लेकिन अंदर से वो खाली है. उसके पास पैसा भी है, उसके पास स्टेटस भी है, वो खूबसूरत भी है, उसके पास अदाएं भी हैं, वो देखने में भी बड़ी प्यारी लगती है, वो अपना सारा टाइम भी ड्रेसिंग टेबल पे लगाती है, बट अंदर से वो हॉलो है. तो उसने एक ऐसी औरत की कहानी हमें बताई है. अच्छा, अब क्वेश्चंस कुछ यूं आ जाते हैं इस तरह से घुमा के. एक तो आता है जी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग. और उसमें इस दफा जो पास्ट पेपर में मेरे ख्याल कैरेक्टर ऑफ बलिंडा आया हुआ था. लेकिन इन केस अगर इस तरह से अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया ना, तो बेटा अंडरलाइन द कीवर्ड्स फर्स्ट. जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट्रे बलिंडा कैरेक्टर रेप ऑफ द लॉ, एट फर्स्ट अंडरलाइन द रेप ऑफ द लॉ. रेप ऑफ द लॉ का इंट्रो देंगे, थोड़ा सा बलिंडा का कैरेक्टर और अलेक्जेंडर पॉप के बारे में आप बताएंगे कि अलेक्जेंडर पॉप ने किस तरह से सक्सेसफुली एक्सपोज किया अब होलोनेस ऑफ फीमेल फोक ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी. और आप बताएंगे कि अलेक्जेंडर पॉप जो है उसने 18th सेंचुरी सोसाइटी की जो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस है, उसके जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके बारे में उनको सटायर किया है,
और स्पेशली उसने एक्सपोज किया है होलोनेस ऑफ फीमेल फोक ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी को, इसी क्वेश्चन में से आपने आंसर बनाना है, ठीक है? ये जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके अंदर ये कीवर्ड्स जो है ना ये रिपीट होने चाहिए, फिर जाके आपका एक अच्छा वाला जो आंसर है वो बनता है। अगर तो आपने स्टार्ट में बलिंडा के कैरेक्टर से कर दिया, फिर आप गए देखें इसमें क्या क्या पूछा। बलिंडा का कैरेक्टर अंडरलाइन इट, रेप ऑफ द लॉक इसको अंडरलाइन करें, अलेक्जेंडर पॉप उसको अंडरलाइन करें, हु वाज अलेक्जेंडर पॉप। हर क्वेश्चन के अंदर बायोग्राफी रिक्वायर्ड नहीं होती, जहां पे बायोग्राफी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर उसने मांगी है तब तो जरूर लिखें, लेकिन अगर उसने नहीं मांगी तो मत लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे हम बायोग्राफी ऐड करेंगे, अलेक्जेंडर पॉप के बारे में लिखेंगे, रेप ऑफ द लॉक के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप रेप ऑफ द लॉक से शुरू करेंगे, दैट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, और उसके अंदर उसने क्या नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को सटायर किया है। एंड आफ्टर दैट यू विल टोल्ड द एग्जामिनर कि आप उसके अंदर स्पेशली उसने एक बलिंडा का कैरेक्टर जो है उसको पोर्ट्रे किया है जो कि एक्सपोज करता होलोनेस ऑफ फीमेल फोक ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी। दैट वुड बी योर जो आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद लिखते हैं, देखते हैं, द रेप ऑफ द लॉक इज वन ऑफ द थ्री पोएम्स इन व्हिच पॉप शोज हिमसेल्फ एम्फैटिकली एज द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज। रेप ऑफ द लॉक, अब देखिए उसने स्टार्ट भी इसी तरीके से किया है, रेप ऑफ द लॉक वन ऑफ द थ्री पोएम्स है इन व्हिच पोएम पॉप शोज हिमसेल्फ एम्फैटिकली एज द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज। He paints the elegance and the emptiness, the meanness and the vanity, the jealousness and treacheries of young men and women of aristocratic families of that time. In his poem, Pope has particularly exposed the laziness, frivolities, hypocrisy, excessive interest in toilet and high matrimonial aspirations of the ladies of his age. Belinda represents the typical fashionable ladies of the time. There is not the slightest glimpse of seriousness or sincerity. Uske andar koi slightest glimpse nahi tha of seriousness or sincerity, goodness or grandeur of human life in any of her words and actions. Her character is a bundle of contradictions. On the one hand, uska jo character tha, bundle of contradictions ka combination tha. On the one hand, she is object of satire. Ek taraf to wo object of satire thi, and on the other hand, she is the goddess of beauty and charm. Aur dusri taraf jo hai wo goddess of beauty thi aur charm thi. When she is first introduced to us, we learn that the brightness of her eye surpasses the brightness of the sun. Jab hum starting mein hi dekhte hain, to hum dekhte hain. At first, hum dekhenge ki wo kis tarah beauty and charm thi ki. स्लोगन ऑफ ब्यूटी और चार्म थी, या गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म थी, कि उसकी जो ब्राइटनेस ऑफ आईज थी वो सरपास करती थी ब्राइटनेस ऑफ द सन को। बट एट द सेम टाइम वी लर्न दैट शी इज अ लेजी वीमन हु कंटिन्यूज टू स्लीप टिल 12 इन द डे एंड हु ऑन द वेकिंग अप एट द ऑल फॉल्स अस्लीप अगेन। व्हेन शी गोज ओपन हर आईज शी गोज थ्रू अ लव लेटर व्हिच इज वेटिंग फॉर हर। और वो जो है जब अपनी आंखें ओपन करती हैं तो शी गोज थ्रू अ लव लेटर, तो फौरन से वो एक लव लेटर देखती है जो कि विच इज वेटिंग फॉर हर एंड विच मेक्स हर फॉरगेट द विजन, और जो कि वो लव लेटर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो फाइनली फॉरगेट कर जाती है उस विजन को, उस ड्रीम को दैट शी हैड सीन, जो उसने देखा था, यानी कि जो उसको सेल्फ ने कहा था, एरियल ने कहा था। हर ब्यूटी एंड चार्म इज एम्फसाइज्ड व्हेन शी गेट्स बिजी विद हर टॉयलेट। उसके ब्यूटी और चार्म और भी ज्यादा एम्फेसाइज होते हैं जब वो बिजी हो जाती है अपने टॉयलेट में। द टॉयलेट टेबल इज लाइक अ चर्च टू हर, हर कॉस्मेटिक्स आर लाइक हर ऑफरिंग्स टू द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। अपार्ट फ्रॉम हर मेड सर्वेंट बेटी हु हेल्प हर इन हर टॉयलेट, देयर आर अ नंबर ऑफ सिल्स टू परफॉर्म द वेरियस ड्यूटीज असाइंड टू देम। एज पॉप रिमार्क्स, नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल चार्म, शी इज एन इनकार्नेशन ऑफ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी and she is brighter than the sun. If she suffers from any female error, the beauty of her face would make us ignore them. Agar wo kisi bhi error se suffer karti hai to wo jo beauty hoti hai uski wo usko uski jo new beauty hoti hai wo hame majboor kar deti hai ki hum uski jo
इनर उसकी जो बुराइयां थी उसको हम खो दें, मतलब उनको हम भूल जाएं। अब यहाँ पे देखिएगा कि नॉर्मली हम अपनी बाहर की अपीयरेंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन द देन आवर इनर सेल्फ, ठीक है। अपने कैरेक्टर को खूबसूरत बनाने के बजाय हम अपनी आउटर सेल्फ को ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो फिर क्या होता है, बाज लोगों के पास डिग्री आती है तो उनका लिबास कम हो जाता है, होता है। तो दैट इज द सेम थिंग कि हम अपनी आउटर ब्यूटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन द इनर वन। जिनका इनर बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है ना बेटा, उनका आउटर ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। उनके फेस के ऊपर वो जो एक शाइन आती है वो ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि हम जिस तरह का सोचते हैं ना हमारे फेस पे वैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। जो लोग हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं उनके रिंकल्स जल्दी बढ़ जाते हैं, और हमने बहुत सारे गम ऐसे होते हैं जो कि फजूल में पाले हुए होते हैं, तो वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं, उनके बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदि होते हैं खुश रहने के, जिनके अंदर कॉन्टेंटमेंट बहुत ज्यादा होती है, शुगर गुजारी बड़ी ज्यादा होती है। द रीजन इज दैट दे आर द इनर सेटिस्फाइड पीपल। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं पैदा कर सकी ना, समझ लें आपका इल्म अभी नाकिस है। अगर कोई एक किताब जिंदगी में कभी पढ़ी हो और वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकी ना बेटा, तो समझ लें आपका इल्म अभी नाकिस है। इल्म आपका उस दिन मुकम्मल होगा जब आप अंदर से बदल जाएंगे, और अगर आप अंदर से नहीं बदले ना, ये जो दिमाग में आपका इल्म है ना, ये आपको फ्रस्ट्रेट करेगा क्योंकि अभी आपके अमल में नहीं आया। दैट्स वाई आपको आपके इर्द गिर्द बहुत सारे डिग्री होल्डर्स मिलेंगे, लेकिन दानिशमंद लोग बड़े कम मिलेंगे, अक्ल वाले बहुत कम मिलेंगे। दैट्स वाई जिनके अंदर कुछ नहीं होता ना, वो अपने आउटर अपीयरेंसेस को जो है ना वो डेकोरेट करने में लगे रहते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक सेल्फी खिंचवानी होती है और पूरी दुनिया को भी दिखाना होता है। द रीजन इज दैट एक्चुअली दे उनके अपने अंदर जो है ना एक कमी है, और उस कमी को छुपाने के लिए हम सेल्फी भी लेते हैं, भाई खूबसूरत लग रही हूँ, ठीक है ना, शीशे में देख लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो हम लोग क्या, हम फिर पीपल कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, हम फिर ना तो अल्लाह कॉन्शियस रहते हैं ना ही हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो ऐसा इंसान जो अंदर से खोखला होता है ना बेटा, वो पीपल कॉन्शियस होता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से वो बंदा तैयार होता है, वो अपने हिसाब से तैयार नहीं होता, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई जा रही है, ये उसके उसको भी पता, हर इंसान को पता होता है मेरे अंदर कई खामियां हैं। टू हाइड आवर फॉल्ट्स हम अपने आप को आउटवर्डली डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द थिंग जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, कि बलिंडा पढ़ी लिखी लड़की थी, वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं थी, लेकिन उसका जो मेन फोकस क्या था, टू डेकोरेट हरसेल्फ outwardly. She nourishes two locks of hair which greatly enhance already irresistible charm of this lady. Usne do locks of hair jo hai wo nourish ki thi which greatly enhance already irresistible charm of this lady. Jo ke enhance karta already irresistible charm of this lady. She has naturally carefree temperament. Uska naturally carefree temperament tha. Belinda smiled and all world was gay. Belinda's outdoor life begins with her boat. अब यहाँ पे देखें, Belinda smiled and all the world was gay. हम खवातीन जब बाहर जाती हैं तो फेस के ऊपर एक स्माइल होती है, और जब घर आती हैं फिर कैसे होता है, थकी हुई, टूटी हुई, बच्चा घर आ गया, आ गया मेरा दिमाग खाने, हस्बैंड घर आ गया, तो और ही हमारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज द थिंग कि वो आउटवर्ड जब बाहर की दुनिया में जाती थी तो वो स्माइल करती थी, बट अबाउट द थिंग कि उसके ऊपर जब थोड़ी सी उसकी आजमाइश आई तो वो किस तरह से जीती। Belinda outdoor life begins with her boat, which she sails on the Thames. Here again, Forbes emphasizes her physical charm, namely sparkling cross and white breast. उसका ये जो सेल होना ऑन द रिवर थेम्स, वो उसको शो करता है कि वो आउटर लाइफ के अंदर कितना ज्यादा, मतलब लग्जरियस लाइफ, नॉट ओनली लग्जरियस लाइफ बल्कि वो अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करना चाहती थी। ये जो हमने अपनी जिंदगी के अंदर एक वर्ड क्रिएट कर लिया ना कि हम जिंदगी से बोर हो,
उस बोर्ड लाइफ को खत्म करने के लिए जो है हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि हमें शायद सुकून मिल जाए, ठीक है, लेकिन सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह बिज़िक्रिल्लाही तत्मईन्नुल कुलूब, के दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। तो बेटा हमें घूमने फिरने से कहाँ पे सुकून मिलेगा? जिक्र करके जब घूमे फिरेंगे तो अल्लाह की शानें नजर आ जाएंगी, लेकिन जस्ट फॉर एंजॉयमेंट जब हम घूमते हैं ना, तो शायद हम थक के वापस आते हैं, उस तरह से वापस नहीं आते। हियर अगेन पॉप एम्फसाइज हर फिजिकल चार्म, नेमली स्पार्कलिंग क्रॉस एंड वाइट ड्रेस। और यहाँ पे पॉप जो है एम्फसाइज करता है उसके फिजिकल चार्म को, जो कि उसके स्पार्कलिंग क्रॉस होते हैं और उसके वाइट ब्रेस्ट होते हैं। यहाँ पे उसके फिजिकल चार्म्स जो हैं इन दो सिंबल्स के साथ शो हो रहा है। क्रिश्चियन एंड इनफिडल्स वुड किस द क्रॉस जस्ट टू बी एबल टू टच हर ब्रेस्ट। एज शी सेल्स ऑन द रिवर शी स्माइल्स एट हर स्पेक्टेटर्स एंड कीप्स देम एट सेफ डिस्टेंस। और वो जो है सेल करती है रिवर में, शी स्माइल्स एट द स्पेक्टेटर्स और वो उनको सेफ, कीप देम एट सेफ डिस्टेंस, और वो उनको एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर रखती है। उसके बाद जो है शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रेस एंड स्वीटनेस विच कवर्ड अप हर फ्लर्टेशन एंड फॉल्स। और ये जो उसकी एम्बॉडीमेंट होती है ऑफ ग्रेस और स्वीटनेस, वो कवर अप करती है उसकी फ्लर्टेशन को और उसके फॉल्ट को। अगेन द पोएट एजर्ड इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर फॉल लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट ऑल। और वो कहता है कि अगर इस फीमेल, इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर फॉल्स, के अगर उसकी कोई एरर भी जो है वो कवर अप हो रही है, अगर आप उसकी फेस को देखें और आप उसकी तमाम एरर्स को भूल जाएंगे, यानी कि आप उसकी खूबसूरती में इतना खो जाएंगे कि आप उसकी तमाम एरर्स को भूल जाएंगे। जैसे हम भी कोई ड्रामा देखते हैं या कोई एड चल रहा होता है, उसके ऊपर हम एक मॉडल देखते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है, फिर हम उसकी सारी एरर्स भूल जाते हैं ना। दैट इज द सेम लाइक दैट। बलिंडा विजिट्स हैम्पटन कोर्ट, अ प्लेस ऑफ मैरी मेकिंग एंड गेटिंग टुगेदर। बलिंडा जो है विजिट करती है हैम्पटन कोर्ट में, और अ प्लेस ऑफ मैरी मेकिंग और गेटिंग टुगेदर, और वहाँ पे वो मैरी मेकिंग और वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि एक पार्टी टाइम होता है फुल। दिस प्लेस अट्रैक्ट, जैसे आजकल हमारी भी लेडीज की किटी पार्टी स्टार्ट हो गई है, मोहल्लों में हो रही होती है ना, जगह जगह पे, DHA में ज्यादा होती है। This place attracts courtiers, politicians, writers and men of different professions. और ये प्लेस जो है अट्रैक्ट करती है किसको? कोर्टियर्स को, पॉलिटिशियंस, यानी कि जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो सारे इधर आते हैं। Here young ladies exhibit their charm and entice the heart of the young lover. Young men and women play the game of card, which is nothing but the game of flirtation. It shows her inner mind, which is shallow, fickle and given to tantrums. Outwardly she wishes to be considered virtuous. बाहर से तो वो wish करती है कि उसको हर कोई virtuous consider करे, but inwardly she is ready to have fun with the young folk. और inwardly जो है वो ready होती है कि उसको वो young folks के साथ enjoy करना पसंद करती है। She loves Baron at heart, but rebukes and abuses him. Ariel, her guardian spirit, gives up his duty of guarding her virtues when he observed that an earthly lover is lurking at her heart. Ariel jo uska guardian spirit hota hai, wo apni give up kar deta hai apni duty of guarding her virtues, uski virtues ko guard karne ki jo duty us pe lagi hoti hai wo usko give up kar deta hai jab wo ye, yani ki wo haar maan jata hai jab wo ye observe karta hai ki ek earthly lover jo hai wo uske heart pe lurk kar raha hai. All her anger is intended only to deceive others. उसका तमाम anger, यानी कि बलिंडा का जितना भी anger था, वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए था, और कुछ भी नहीं था। The primary quality of Belinda is spiritual shallowness and incapacity for moral awareness. She has transformed all the spiritual exercises and emblems into coquettes. Self display and self adoration. और primary quality जो है Belinda की वो क्या थी? वो उसकी spiritual shallowness थी and incapacity for moral awareness. देखें बेटा, पहले तो spiritual shallowness को देखें, इसको कहते हैं कि हम रूहानी तौर पे कमजोर हैं। रूहानी तौर पे वो इंसान कमजोर होता है जिसको अपनी बुराइयों का पता नहीं होता, उसके अंदर मोरल अवेयरनेस नहीं होती, दैट्स व्हाई हम लोग गलतियां करते हैं।
और ये कह देना कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द, वो कहते हैं ना, सबसे बुरा तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर होता है। तो हम एक दो डिग्रियां लेके समझते हैं कि शायद हमें जिंदगी जीना आ जाती है, ऐसा नहीं होता। जिंदगी जो है एक्सपीरियंसेस के बेस पे जी जाती है, वक्त के साथ साथ हम चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ एक मैच्योरिटी आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीए की डिग्री लेके या एमए की डिग्री लेके मैं बहुत मैच्योर खातून हो जाऊँ, नहीं होता। आपकी जिंदगी की एक्सपीरियंसेस और आपकी जो मॉरल टीचिंग्स होती हैं, जो आप जिंदगी से सीखते हैं, वहां से आपको पता चलता है। लेकिन प्राइमरली देखा गया यहाँ पे बलिंडा के कैरेक्टर में कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल शैलोनेस थी बिकॉज ऑफ हर इनकैपेसिटी फॉर मॉरल अवेयरनेस, क्योंकि उसको मॉरल अवेयरनेस नहीं थी। और शी हैज ट्रांसफॉर्म ऑल स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस और एम्बलम्स, उसने किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिए थे, इनटू परफेक्ट सेल्फ डिस्प्ले में। अपने आप को वो सेल्फ डिस्प्ले करती थी और सेल्फ एडोरेशन। अब आप आज के दौर में देखें हम किस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिस्प्ले करते हैं और सेल्फ एडोर करते हैं। We are the screen conscious, selfie conscious, people conscious, mirror conscious people. Self adore करते हैं अपने आप को, पहले तैयार होते हैं, फिर एक सेल्फी भी लेनी होती है, कैसी लग रही, सेल्फ एडोर है कि नहीं है। एंड हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग इन दिस एक्टिविटी, जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना टाइम वेस्ट होता है। और एंड में हमें वो तस्वीर देखने का दोबारा टाइम भी नहीं मिलता, मिलता है। जितनी हम सेल्फीज डेली की खींचते हैं, जरा सोचें जितना टाइम वेस्ट किया, उस उतना टाइम है हमारे पास कि पुरानी तस्वीरें खोल के भी देख लें, नहीं होता। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द सेल्फ डिस्प्ले एंड सेल्फ एडोरेशन जो कि पेनिट्रेट कर चुकी थी इन द 18th सेंचुरी सोसाइटी ऑफ लंडन, ठीक है। वहां के एरिस्टोक्रेट्स इन कामों में पड़ गए थे। अगेन वही एक शेर के, गरीबे शहर को तो फाकों ने मार डाला और अमीरे शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। ये सही शेर मलिहा को आता है। मलिहा ये जरा शेर दोबारा से आज बताइएगा कि अमीर, गरीबे शहर को तो फाकों ने मार डाला और अमीरे शहर ने इस लग्जरियस लाइफ से खुदकुशी कर ली। हमारी जनरेशन जो अमीरों की जनरेशन है वो इसी तरह तबाह होती है। अमीर लोगों की जनरेशन जो है वो हीरो से ही खुदकुशी तो करती है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ की वजह से वो तबाह होती है। और यहाँ पे वही चीज जो सेल्फ डिस्प्ले एंड सेल्फ एडोरेशन। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, पॉस्ट पोर्ट्रेट ऑफ बलिंडा इज आल्सो एनिमेटेड विद अ ट्रूली कॉमिक स्पिरिट। पॉप की जो पोर्ट्रेट ऑफ बलिंडा वो एनिमेटेड है विद अ ट्रूली कॉमिक स्पिरिट। इन बलिंडा इज फाउंड द चार्म दैट अ फेयर एंड फैशनेबल वीमन ब्रिंग्स टू सोसाइटी टुगेदर विद ऑल हर प्राइड एंड वैनिटी। हर ब्राइट अपीयरेंस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद हर फिकल नेचर। Pop makes her quite trivial by showing her very lack of discrimination and her failure to catch the true values of the thing. Pop ne uski quite trivial, uski quite trivial activities ko show kiya by showing her very lack of discrimination, ki uske andar bahut lack hai discrimination ka aur failure ka to catch the true value of things. Beta jab hum is tarah ki cheezon mein pad jate hain na outer iske andar, तो आप ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स को कभी देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त एक कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर जी रहे होते हैं, हर वक्त अपने आप को बस तैयार ही कर रहे होते हैं, एंड दैट इज जस्ट फॉर नथिंग। लोगों का क्या है, दो मिनट के लिए तारीफ करेंगे, पीछे से कहेंगे कि भाई बहुत बुरी है भाई, ठीक है। तो दैट इज द लाइफ। हर हार्ट इज अ मूविंग टॉय शॉप वेयर इमेज फॉलोज इमेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। उसका जो हार्ट है वो एक मूविंग टॉय शॉप है जहाँ पे इमेज फॉलो करते हैं इमेज को विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, एंड नथिंग सीरियस हैज एनी प्लेस, और सीरियसनेस की तो जैसे कोई जगह ही नहीं है। द रेप ऑफ हर लॉक एंड हर रिजेक्शन टू इट सिंबॉलिकली टेस्टिफाइड टू द फ्रेम नेचर ऑफ हर फैशनेबल सोसाइटी वेयर सेक्सुअल बिहेवियर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कन्वेंशनल स्टैंडर्ड। और रेप ऑफ द लॉक और उसकी जो रिजेक्शन है टू इट वो सिम्बॉलिकली टेस्टिफाई करती है इस फ्रेल नेचर को टू हर फैशनेबल सोसाइटी, उस फैशनेबल सोसाइटी की ये जो फ्रेल नेचर है जहाँ पे सेक्सुअल बिहेवियर जो है इस सब्जेक्ट टू सर्टेन कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, जो कि जस्ट ये सब्जेक्ट जो है बिहेवियर का वो मैटर है, सब्जेक्ट है सर्टेन कन्वेंशनल स्टैंडर्ड का। बलिंडा इज सीन इन मेनी डिफरेंट लाइट्स। बलिंडा जो है वो मेनी डिफरेंट लाइट्स
में देखी गई, यानी कि मैनी पर्सपेक्टिव में देखी गई एज पॉकेट, उसको फ्लर्टियस देखा गया, उसको इंजर्ड देखा गया, इनोसेंट थी, वो स्वीट चार्मर थी, सोसाइटी वैली थी, राइवल ऑफ सन एंड मर्डरर ऑफ मिलियंस, द क्लोपेट्रा लाइक वैरायटी इंडिकेट्स साइमल्टेनियसली हर चार्म एंड अ विशियस लैक ऑफ कैरेक्टर, द एट द पॉइंट ऑफ प्रेज ऑफ हर अट्रैक्शंस विल बी अ मेयर मास फॉर ऑफ सैटायरिक अटैक ऑन द टाइम। और एक पॉइंट जो था जो कि प्रेज ऑफ हर अट्रैक्शंस था, वो भी हो सकता है कि वो जस्ट मास्क हो फॉर पॉप सैटायरिक अटैक ऑन द टाइम। उसका फिगर ऑफ और क्या था ऑन द टाइम, किस टाइप के ऊपर फिगर ऑफ कॉकवेट विच फॉर ऑल इट्स एक्स्ट्रावेगेंस प्रेज नो वन कैन फुली अंडरस्टैंड। और वो जो बेसिक उसकी टाइप क्या थी, वो फिगर ऑफ कॉकवेट थी जो अपनी तमाम एक्स्ट्रावेगेंस प्रेस के बावजूद कोई भी उसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। द पार्ट और अदर पार्ट विच बेलिंडा प्लेस इन एलिबरेट सोशल ड्रामा ऑफ मैनर आर एट वंस कंपैटिबल, रिडिकुलस, पॉइग्नेंट एंड पेटी। और ये जो पार्ट ऑफ पार्ट्स हैं जो कि बेलिंडा प्ले करती है एलिबरेट सोशल ड्रामा ऑफ मैनर्स में, एट वंस कंपैटिबल है, रिडिकुलस है, पॉइग्नेंट और पेटी है। To sum up, Belinda is complex character. It is not possible to find a single label to cover up her qualities. Pop's attitude toward Belinda is very mixed and complicated, mocking and yet tender, admiring and yet critical. Undoubtedly, she is representative of upper class women of the 18th century as well as the modern. And she is more than a mere type. She has own personality and stands out by her whims and fancies. Uski apni ek personality thi. और वो स्टैंड आउट करती थी बाय हर विम्स एंड फैंसीज। ठीक है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है। पॉप अ क्रॉनिकलर ऑफ हिज एज, बेलिंडा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैशनेबल लेडीज ऑफ हिज टाइम, बेलिंडास कैरेक्टर अ बंडल ऑफ इस इनकंसिस्टेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, वो बंडल थी इनकंसिस्टेंसीज। क्या बोला था अभी, कंसिस्टेंट लाइफ होना बड़ा जरूरी है अगर आप आगे जाना चाहते हैं। अगर जिंदगी में स्टैंडर्ड्स बना लिए ना बेटा, आप कभी आगे नहीं जा सकते। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। जब तक आप नथिंग पे नहीं आएंगे ना, आप एवरीथिंग बन ही नहीं सकते। एक्चुअली हम अपने आप को नथिंग ना तो देखना चाहते हैं और ना दिखाना चाहते हैं। हम लोगों को यही शो करना चाहते हैं, वी आर द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल, वी आर द मोस्ट फैशनेबल लेडीज, वी आर द मोस्ट एरिस्टोक्रेट्स। यही है। तो बेटा अगर अपने सामने आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए ना, यकीन जाने आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। जितनी आपकी लाइफ सिंपल होगी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी और आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल उतना ही कम होगा। और एक दफा अगर आपकी जिंदगी में सुकून आ गया ना, दिमागी सुकून, ठीक है, तो आप समझ लें अब आपका इल्म कुल हो गया। वैसे इल्म में कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपका जो इल्म है वो आपको सेटिस्फेक्शन दे गया ना अंदर से, तो समझ लें अब सुकून वाली लाइफ स्टार्ट हो गई है। फिर आपको कहीं पे घूमने फिरने की जरूरत नहीं रहेगी। सुकून तो बेटा अंदर होता है, बाहर थोड़ी होता है। तो दैट इज द थिंग कि हमेशा जो है बेटा अपनी लाइफ जो है ना, जो अजीम लोग होते हैं वो लोगों के पीछे थोड़ी भागते हैं, अजीम लोगों के पीछे लोग भागते हैं। ठीक है, और जो सब कर रहे हैं वो भी मैं करूं, ये कौन सी लाइफ हुई? कोई इनोवेशन करें ना अपनी लाइफ में, पायनियर बनना सीखें, फॉलोअर नहीं बनते होते। फॉलो उसको करें जो वाकई बहुत इस काबिल हो कि उसको फॉलो किया जाए, और जिसने वाकई लाइक कासिम अली शाह, वासिफ अली वासिफ, अलामा इकबाल, ठीक है, अपने आइडियल्स मेंटेन करें। अपने आइडियल्स अगर हम ये टीवी ड्रामास की मॉडल्स को बना लेंगे ना बेटा, हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हमारे गेटअप्स भी वैसे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल तैयार ना हो और बिल्कुल ही सिंपल हो जाए या कुछ इस तरह से, लेकिन अपने आइडियल जरूर सेट करें। ठीक है, तैयार जरूर हो, अच्छा पहने, अपनी जात के ऊपर खर्च करें, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होना चाहिए। फजूल खर्च शैतान का भाई है और हर चीज फजूल खर्ची है। जरूरी नहीं है पैसा ही खर्च करना फजूल खर्ची होती है। हर वो चीज़, हर वो नेमत जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, अगर आप उसको ज़ाया करते हैं ना, ये फजूल खर्ची है। फॉर एग्जांपल वक्त, ये अगर मैं इसको
ये वक्त ही तो है, ठीक है। अगर मैं इसको टिक टिक्स पे लगा दूंगी ना और इधर उधर लगा दूंगी, गप्पों में लगा दूंगी, तो वो मेरा वक्त फजूल खर्ची काउंट होगा। और जितना बेटा हम शैतान के रास्तों पे चलेंगे ना, शैतान हमारे ऊपर उतना हावी होता चला जाएगा, हमारे लिए नेक रास्ते पे चलना उतना मुश्किल हो जाएगा और जिंदगी फिर हमारी फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। अगर कभी हम परेशान होते हैं, हमें लगता है बाहर का माहौल ऐसा है, लोग ऐसे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि ईमान वालों को ना खौफ होगा और ना गम होगा। इट मीन्स के चेक, जब भी हम डिप्रेस हो जाए ना, तो चेक द लेवल ऑफ योर ईमान, फेथ का लेवल चेक करें। अगर वो है, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज, बेटा फेथ चला गया ना सब कुछ खत्म। और अगर फेथ है ना, तो यकीन जाने आप बहुत पुरसकून हो जाएंगे। तो क्योंकि ईमान वालों को ना खौफ होगा ना गम होगा। खौफ क्या होता है, किसको कहते हैं? जो पास्ट में ऐसा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब खौफ है ना हमने पाले हुए हैं। ईमान वालों को ये भी नहीं होता, वो कोई ऐसा ना कह दे, वो मुझे यूं करती है, वो मुझे यूं कहती है, ये क्या है? ये खौफ और गम है, गम की कैफियत है। और गम क्या होता है? जो पास्ट में आपके साथ हो जाता है, आप उसको बार बार याद करते हैं और रोते रहते हैं, बार बार याद करते हैं और अपने आप को डिप्रेस करते हैं। ईमान वाले जो होते हैं ना, वो इन दोनों कैफियत से निकल जाते हैं। उनकी जो उनका जर्नी होता है ना, वो टूवर्ड्स पीस होता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली यहाँ पे पॉप वही चीज बताना चाह रहा है कि लोगों ने अपनी जिंदगियों को खेल तमाशा बना लिया है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उसको खूबसूरती के साथ गुजारा जाए और उसके जो मोरल्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसके आइडियल्स वैसे सेट किए जाए तो खूबसूरत है। लेकिन अगर हम लग्जरीज के पीछे भागेंगे तो लाइफ उतनी हमारे लिए मिजरेबल हो जाएगी। लोगों के लिए जीना कोई जीना होता है? जीना तो इंसान को अपने लिए चाहिए कि मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ, आज मैं वेरी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये मैंने किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, है ना। ये थोड़ी कि मैंने नंबर लेने लोगों को लेके दिखाने मैंने एमए इंग्लिश किया, ठीक है। तो क्या है, हम हमारी जो जर्नी है ना, दैट शुड बी टूवर्ड्स द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए। तो दैट इज बेसिकली द मैसेज जो यहाँ पे बलिंडा के कैरेक्टर के थ्रू उसने दिया है कि बलिंडा जो हर चीज ढूंढती है, कभी हैप्टन कोर्ट में वो खुशी ढूंढती है, कभी वो कार्ड गेम्स में ढूंढती है, कभी वो परेशान होके ढूंढती है, कभी वो जो है चीख के वो समझती है कि शायद मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाएगी, कभी वो अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को ब्यूटीफाई करती है। बट द एंड जो मॉरल लेसन ने पॉप हमें यहाँ पे दिया, वो उसने ये दिया कि गुड मॉरल्स जो है, आपके जो अंदर की खूबसूरती असल में वही असल खूबसूरती है, बाकी हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। यहाँ तक कि जो आर्ट होता है ना, वो भी एक हद तक रहता है, आपकी जो पेंटिंग है कभी ना कभी उसने भी फना हो जाना। लेकिन एक चीज होती है कि आपका जो गुड कैरेक्टर होता है, आपके जो गुड मॉरल्स होते हैं, आपके जो गुड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपकी लाइफ बनाते हैं। आपकी एक सोच होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिखाया गया कि इंसान ने तो भाई एक दिन मर जाना है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई चीज आसमान पे जाके सितारा, चमकता हुआ सितारा बनाएगी, वो आपकी नेकियां होंगी, वो आपकी वर्च्यूज होंगी, और वो आपकी इनर वर्च्यूज होंगी जो कि आपको लाइफ हियर आफ्टर जो है वहां पे जाके सुरखरू करेगी। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट हियर जो उसने बलिंडा के कैरेक्टर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है और मुझे भी बताने की कोशिश की है। तो लेट्स एब्जॉर्ब दिस नॉलेज एंड इससे हम कुछ सीखें ताकि हमें इल्म नाफ़ा मिले। नेक्स्ट बेटा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द सुपरनेचुरल मशीनरी।